आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्वालियर से डबरा पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने आज शहर के खाद्य विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों से खाद्य वस्तुओं से सैंपल लेने की कार्रवाई की। टीम ने सबसे पहले पहुंचकर डबरा के प्रतिष्ठित कन्हैया कुल्फी भंडार पर निर्मित की जा रही कुल्फी के सैंपल लिए। उसके बाद सरदार डेयरी पर पहुंचकर भी खाद्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग की कार्रवाई की। गौरतलब है कि गर्मियों का मौसम एवं शादियों का सीजन को देखते हुए वस्तुओं की मांग बढ़ने पर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, जिन पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य विभाग लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। वहीं पर आपको बता दें, जैसे ही खाद्य विभाग की टीम की मौजूदगी की सूचना शहर के अन्य खाद्य विभाग व्यवसायी को मिली, वैसे ही कई प्रतिष्ठित व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों की शटर गिराकर गायब हो गए। शटर गिरे देखकर खाद्य विभाग की टीम को वापस लौटना पड़ा। खाद्य विभाग की टीम ने फिलहाल डबरा के प्रतिष्ठित कन्हैया कुल्फी भंडार एवं सरदार डेयरी पर सैंपल में इनकी कार्यवाही की है। सर, आज आपने यहाँ पर जो कन्हैया कुल्फी भंडार है वहाँ पर कार्रवाई की है, क्या 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 सैंपल दिए और क्या क्या कार्रवाई की है? हाँ जी, अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संचालित है मिलावट मुक्त अभियान के तहत। हम लोग गर्मियों को देखते हुए दूध और दूध के पदार्थों पर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके तहत हमने यहाँ पर जो कुल्फी कन्हैया कुल्फी भंडार के नाम से एक फर्म है, यहाँ से कुल्फी बनाने के लिए संग्रहित मावा, मीठा मावा और दूध, इन दोनों के द्वारा कुल्फी बनाई जाती है, इसलिए दोनों खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। साथियों को सीजन चल रहा है और भी शहर के अंदर कोई है? हाँ, कार्रवाई निरंतर जारी है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई चल रही है और शादियों के देखते हुए ही ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये कुल्फी का उपयोग भी शादियों में होता है। जो ठेले लगते हैं, जगह जगह पर ठेले लगते हैं, अधिकांश आमजन इनको खाता है, तो उसके तहत ये कुल्फी, अभी हमने ग्वालियर में भी काफ़ी कार्रवाई की गई थी ऐसी, तो उसके तहत फूड विभाग कार्रवाई करता है, उसके बाद भी दोबारा से ये सब चीज़ें संचालित होती रहती हैं, उसी तरह का कारोबार चलता रहता है, क्यों नहीं इस पर सख्त लगाम लगाई जाती कि ये इस तरह की जो कारोबार हो वो रुक सके? हाँ बिल्कुल, फूड विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उनमें कुछ खाद्य पदार्थ जो सब स्टैंडर्ड होते हैं उनके तहत जुर्माना आरोपित किया जाता है, और इनके द्वारा जुर्माना पहले भरा भी है। इन पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था, जो उसकी भरा हुआ है उसकी रसीद भी हमने प्राप्त की है। तो और जो खाद्य कारावास से दंडनीय प्रकरण होते हैं जिनमें असुरक्षित खाद्य पदार्थ आता है, उन पर निरंतर हम लोग FIR कर रहे हैं, और पिछले हमने एक साल में लगभग 37 FIR की गई हैं, तो उन पर उस तरह की कार्रवाई होती है जो निरंतर जारी है। अभी तेल खाद्य तेल का